स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इससे हमने लिया है। तो शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में। नंबर वन, जिस बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं, संतुलित आहार की, तो उस बैलेंस डाइट का एक महत्वपूर्ण घटक कार्बोहाइड्रेट होता है। नंबर टू, हमारी डाइट में या हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है वो या तो पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में होता है जैसे स्टार्च, या वो डाईसैकेराइड की फॉर्म में होता है जैसे लैक्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है। तो मोटे रूप से हम बात करें कि हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है वो या तो पॉलीसैकेराइड के रूप में स्टार्च की फॉर्म में हो सकता है, या वो डाईसैकेराइड के रूप में सुक्रोज, लैक्टोज इस रूप में हो सकता है। अब जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारी जो आहार नाल है, वो इस कार्बोहाइड्रेट को जो पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में है या डाईसैकेराइड की फॉर्म में है, उसे ग्लूकोज जो मोनोसैकेराइड फॉर्म है उसमें परिवर्तित कर देती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जब हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आहार नाल में डाइजेशन होगा तो उस समय क्या होगा, स्टार्च को जो एक पॉलीसैकेराइड है, लैक्टोज सुक्रोज को जो डाईसैकेराइड है, उन सभी को फाइनली मोनोसैकेराइड ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब ये प्रोसेस हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में दो भागों में होती है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ओरल कैविटी यानी जो बकल कैविटी है जिसे हिंदी में मुख गुहा कहा जाता है, वहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की प्रोसेस
ओरल कैविटी या बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं, और ये प्रोसेस जाकर कंप्लीट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, ग्रहणी वाले भाग में, ड्यूडीनम में। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आहार नाल के इन दो भागों में संपन्न होता है। जो पहला भाग है वो ओरल कैविटी का है, मुख गुहा का है, अभी डिटेल डिस्कस करेंगे। वहां कौन से एंजाइम रिलीज होंगे, वो किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहां हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक तो पैनक्रिएटिक जूस की क्या एक्टिविटी होती है, और एक डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल जूस की क्या एक्टिविटी होती है। तो शुरू करते हैं पहले बकल कैविटी से, ओरल कैविटी से, यानी मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है वो डिस्कस करेंगे। तो हम फोकस करेंगे एक एंजाइम पर, और उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। अच्छा, इस एंजाइम को टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो एंजाइम का नाम याद हुआ, बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में ये एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, और इस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज, और इसे टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो इस एंजाइम का सोर्स क्या है, मैंने ब्लैक बोर्ड पे समरी पूरी लिख रखी है ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो इस एंजाइम का सोर्स सलाइवा, लार है, और जो सलाइवा है, लार जो है, वो सीक्रीशन है लार ग्रंथियों का, सलाइवरी ग्लैंड्स का। तो लार ग्रंथियां हैं तीन जोड़ी, थ्री पेयर है मानव में। तो इन तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों का जो सामूहिक सीक्रीशन है उसी को सलाइवा, लार कहा जाता है। और इस लार में सफिशियंट अमाउंट में ये एंजाइम जो है एमाइलेज टाइलिन प्रेजेंट होता है। टाइलिन एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है, यानी जिस कार्बोहाइड्रेट पे ये अपनी एक्टिविटी शो करेगा, वो है स्टार्च, जो एक पॉलीसेकेराइड है। क्या करेगा एमाइलेज? इस स्टार्च पर अपना काम करेगा और इसे फाइनली माल्टोज में चेंज कर देगा। तो स्टार्च तो एक पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। तो यहां पर टाइलिन एंजाइम ने पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में चेंज किया, और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया। यहां तक ठीक? अच्छा, ये जो पूरी प्रोसेस हम बात कर रहे हैं बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की, ये पूरी प्रोसेस पीएच पर डिपेंड है, और सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है
ये पीएच पर अपनी एक्टिविटी शो करता है, और जिस पीएच पर इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम है वो है 6.8 हल्का अम्लीय। अगर पीएच इससे कम हो जाता है 6.8 टू लो, देन इस एंजाइम की एक्टिविटी भी स्लो डाउन डिक्रीज होती जाएगी। ओके, अब बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्टमक में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, इसलिए स्टमक में आमाशय में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की कोई प्रोसेस नहीं होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें और पर्टिकुलरली हम ड्यूडिनम ग्रहणी की बात करेंगे, तो ड्यूडिनम पे डिस्कस कर रहे हैं, ग्रहणी पे। तो ड्यूडिनम में एक तो आएगा आपके पैनक्रियाज से पैनक्रियेटिक जूस, अग्नाशय से अग्नाशय रस ग्रहणी में पहुंचता है। अच्छा, इस पैनक्रियेटिक जूस का सिंथेसिस संश्लेषण पैनक्रियाज की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एसिनस सेल्स हैं। तो जो पैनक्रियाज की एसिनस सेल्स हैं वो ये पैनक्रियेटिक जूस सिंथेसाइज करती हैं, और फिर ये पैनक्रियेटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। हमने एक हार्मोन का कंट्रोल भी डिस्कस किया था, सिक्रीटिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियेटिक जूस के सीक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। अब अगर हम पैनक्रियेटिक जूस का कंपोजिशन देखें तो खूब सारे एंजाइम हैं। कुछ हमने कल डिस्कस किए थे जो प्रोटीन के डाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ट्रिप्सिन था, काइमोट्रिप्सिन था, इलास्टेज था, ऐसे डिस्कस किए थे हमने। पैनक्रियेटिक जूस में एक एंजाइम ऐसा भी है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, और उस एंजाइम का नाम है पैनक्रियेटिक एमाइलेज। तो इस एंजाइम का सोर्स क्या हुआ, पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर में जो एसिनाइन सेल्स हैं वो सिंथेसाइज करती हैं इस पर्टिकुलर एंजाइम को। ये एंजाइम भी स्टार्च जो एक पॉलीसेकेराइड है इस सबस्ट्रेट पर अपना काम करती हैं, और फाइनली स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। तो पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च हैं उसका थोड़ा डाइजेशन बकल कैविटी में हुआ, और बचा हुआ डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियेटिक जूस के इस एंजाइम की हेल्प से। ओके, अब आगे करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम में ही इंटेस्टाइनल जूस भी आता है, आत्रीय रस, इसे सकस एंटेरिकस भी कहा जाता है। तो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, और ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं इनके द्वारा इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंटेरिकस का सीक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में किया जाता है। अच्छा, इन पे भी कंट्रोल था, तो कल हमने डिस्कस किया था दो हार्मोनों के बारे में, एंटेरोक्राइनिन ड्यूओक्राइनिन। ये जो दो हार्मोन हैं ये स्टिम्यूलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड को, ताकि वो अपने जूसेस इंटेस्टाइन में रिलीज करे, सिक्रीट करे।
अगर हम इंटेस्टाइनल जूसेस के कंपोजिशन को देखें तो उसमें भी डाइजेशन के पर्पज से कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ हमने कल डिस्कस किए थे, कुछ हम आज डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था डाइपेप्टिडेज के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल जूस के उन एंजाइम्स के बारे में जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ ऐसे 3 एंजाइम्स मेंशन किए हैं, एक का नाम है माल्टेज, दूसरे का नाम है सुक्रेज और तीसरे का नाम है लैक्टेज। तो जो माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज है, ये तीनों एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट है और ये तीनों डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, उस पर अपनी एक्टिविटी शो करते हैं और फाइनली उस डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं। तो बात करते हैं पहले माल्टेज की। माल्टेज का जो सोर्स है वो इंटेस्टाइनल जूस है और इंटेस्टाइनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वहां से बनता है या रिलीज होता है। सबस्ट्रेट इसका माल्टोज शुगर है जो डाइसैकेराइड है। माल्टेज माल्टोज पर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और फाइनली ग्लूकोज के 2 मोल, एक माल्टोज से ग्लूकोज के 2 अणुओं का निर्माण कर देगा। ग्लूकोज तो यूनिट है, आगे इसका कोई डाइजेशन नहीं होगा। इसी ग्लूकोज की फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन, पुनरावशोषण कर लिया जाएगा। नंबर 2, दूसरे जिस एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, तो पहला तो हमने डिस्कस किया माल्टेज, दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सुक्रेज। सुक्रेज का सोर्स वही इंटेस्टाइनल जूस है जो इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें प्रेजेंट इंटेस्टाइनल ग्लैंड के द्वारा सिंथेसाइज और रिलीज होता है। सुक्रेज का सबस्ट्रेट सुक्रोज है, ये भी डाइसैकेराइड शुगर है और फाइनली सुक्रेज सुक्रोज शुगर पर अपना काम करेगा और उसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये भी यूनिट स्ट्रक्चर है, दोनों मोनोसैकेराइड है, उसमें कन्वर्ट कर देगा और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशियली इलियम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अवशोषित कर लेती है। तो 2 हो गए। तीसरा जो इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, उस एंजाइम का नाम है लैक्टेज। क्लियर? तो जो लैक्टेज है इसका भी जो सोर्स है वो इंटेस्टाइनल जूस, यानी छोटी आंत में जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं वही इसका सोर्स है, वहां से ये रिलीज होता है। लैक्टेज का जो सबस्ट्रेट है वो है लैक्टोज शुगर। और क्या करता है लैक्टेज? लैक्टोज जो एक डाइसैकेराइड शुगर है उस पर अपनी एक्टिविटी शो करता है और फाइनली लैक्टोज को ये एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इन 2 मोनोसैकेराइड शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस छोटे से टॉपिक को आज हमने कंप्लीट किया और आज हमने समझा कि हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है, आहार नाल जो है,
वहां कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है, कौन से एंजाइम उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और फाइनली डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर मैं समरी फॉर्म में देखूं, कंक्लूड करूं आज के लेक्चर को, तो मोटे रूप से क्या बातें दिखती हैं। नंबर एक, पहली बात जो डिस्कस की थी हमने वो ये की थी, कार्बोहाइड्रेट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार का एक मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट है। इज दैट क्लियर। नंबर टू, जो कार्बोहाइड्रेट हम हमारी डाइट में लेते हैं वो या तो पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में है, जनरली स्टार्च होता है, या वो डाइसेकेराइड की फॉर्म में होता है, जैसे सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, और कई बार मोनोसेकेराइड की फॉर्म में फ्रुक्टोज भी हम डाइट के रूप में लेते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात हम कंक्लूड करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, एक तो ऑरल कैविटी यानी मुख गुहा में होगा, और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, स्पेशियली ड्यूडिनम ग्रहणी में होगा। यहां तक ठीक। ऑरल कैविटी में हमने एक एंजाइम की डिस्कस की, सेलाइवरी एमाइलेज, इसे आप टाइलिन के नाम से भी जानते हो, और ये एंजाइम सोर्स हमने डिस्कस किया, इसका सबस्ट्रेट डिस्कस किया, और फाइनली क्या प्रोडक्ट ये बनाता है ये डिस्कस किया। अच्छा, ऐसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सलाइवा का सीक्रीशन न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल रेगुलेशन के द्वारा होता है, किसी भी प्रकार के हार्मोन का कोई कंट्रोल सलाइवा सीक्रीशन पर नहीं है। फिर हमने बात की स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक तो पैनक्रिएटिक जूस का क्या रोल है वो डिस्कस किया, और इंटेस्टाइनल जूस का क्या रोल है वो डिस्कशन किया। पैनक्रिएटिक जूस के सीक्रीशन पे कौन से हार्मोन है वो आपको बताए, इंटेस्टाइनल जूस के सीक्रीशन पर कौन से हार्मोन का रेगुलेशन है वो हमने डिस्कस किया। तो कंक्लूड किया हमने इजीली कि कैसे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की प्रोसेस हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल में होती है। तो फाइनली जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो इलियम है, इलियम क्या करती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज इन फॉर्म में, ये यूनिट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, इस फॉर्म में ही उसका एब्जॉर्प्शन अवशोषण कर लेती है। तो आई होप आज का जो टॉपिक था अपना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे फैट का डाइजेशन, वसा के पाचन की कार्य की फिजियोलॉजी पे हम कल डिस्कशन करेंगे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बाइल जूस जो है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो कैसे फैट के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये
हम डिस्कस कल करेंगे, एंजाइमों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन से एंजाइम है जो फैट के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।